नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश राज्य में शहडोल जिले के दर्शनीय और पर्यटन स्थल के बारे में। शहडोल जिले में घूमने योग्य कई ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक स्थान हैं जो पर्यटकों और इतिहासकारों को अपने ओर आकर्षित करते हैं। दोस्तों, शहडोल के इन दर्शनीय और पर्यटन स्थलों में मुख्य है विराट मंदिर सोहागपुर, और यह विराट मंदिर को विराटेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। विराट मंदिर का निर्माण 950 ईस्वी सन से 1050 ईस्वी सन के बीच कलसूरी नरेश युवराज देव ने करवाया था। एक जनश्रुति के अनुसार यह महाभारत काल के राजा विराट की नगरी है और महाभारत काल में पांडव भी यहां आए थे। दोस्तों, मंदिर के पास ही बाणगंगा में पाताल तोड़ अर्जुन कुंड है। कहा जाता है कि इस कुंड का निर्माण महाभारत काल में अर्जुन ने अपने तीर से किया था। अब यहाँ पर एक कुंड और बाणगंगा मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है और शिवलिंग के चारों ओर जलहरी बनी हुई है और मंदिर के प्रवेश द्वार के पास ही नंदी और सिंह की प्रतिमा है। दोस्तों, यह मंदिर में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। दोस्तों, क्या आप जानते हो मंदिर के बाहरी दीवारों पर कुछ स्थानों पर पुरुषों और महिलाओं की कामुक प्रतिमाएं हैं जो देखने में खजुराहो के मंदिर की तरह ही है। कहा जाता है कि मंदिर के सामने का हिस्सा गिर गया था जिसे 70 साल पहले रीवा के महाराजा गुलाब सिंह ने ठीक करवाया था और अभी भी मंदिर एक तरफ से झुका हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, वर्तमान समय में मंदिर का रखरखाव पुरातत्व विभाग कर रहा है और मंदिर को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। दोस्तों, खास विराट मंदिर के पास विवेकानंद गार्डन भी है और बाणगंगा में प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन विशाल मेला लगता है। तो दोस्तों, यह थी शहडोल जिले के विराट मंदिर की कुछ जानकारी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।